Hello students, in the last lecture we were discussing about the chapter A Truly Beautiful Mind and we had completed two parts of that chapter. Now today we are going to finish with the last part and also we will discuss the question answers of that chapter. So let's get started students. We are reading from page number 49, paragraph 14. When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. So, when the Nazis came to power in Germany in 1933, Nazis मतलब जो Nazi party के लोग हैं, Hitler. ये party active पहले से थी, लेकिन power में आई 1933 में. ये जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा पता होगा. गुजरात बोर्ड स्टूडेंट्स माइट नॉट नो मच अबाउट दिस, लेकिन ये एग्जैक्ट डेट्स जो है वो कुछ इस तरह से है. ठीक है, तो ये जो हिटलर की जो नाजी पार्टी है वो एक्टिव बहुत टाइम से थी, लेकिन पावर में आई 1933 में. तो उस टाइम पर आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. यहां पे स्टूडेंट्स आप देखिए एमिग्रेटेड, मींस मूव आउट ऑफ अ कंट्री. एमिग्रेशन और इमिग्रेशन ये दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है एमिग्रेट और दूसरा होता है इमिग्रेट. एमिग्रेट का मतलब कंट्री से बाहर जाना, इमिग्रेट मतलब कंट्री के अंदर आना. ठीक है, तो ही एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. अब यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, भी इसका थियरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत सारी जगहों पे छपा था. और साइंटिस्ट कोई सोल्जर नहीं होता स्टूडेंट्स, कि वो ये सोचे कि मतलब मैं इसी कंट्री के लिए काम करूं जहां पे मैं पैदा हुआ हूं, ऐसा नहीं है. ये चीजें सोल्जर्स के लिए जरूरी होती है. सोल्जर्स ऐसे होते हैं, भाई इंडिया में पैदा हुए तो इंडियन आर्मी में ही सोल्जर बनने का, वो उनकी थियरी ऐसी होती है. साइंटिस्ट को तो कैसा है स्टूडेंट्स, जो कंट्री से ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा रिकॉग्निशन अपने थियरी के लिए मिलेगा वो उस जगह पे जाएगा. ठीक है, हमारे इंडिया से क्या डॉक्टर्स यूएस नहीं जाते, क्या इंजीनियर्स नहीं जाते? अब जिसको जहां पे ज्यादा रिकॉग्निशन मिलेगा वो वहां पे जाएगा. अगर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को दूसरी कंट्री में ज्यादा प्रोग्रेसिव वर्क मिल सकता है, तो अपने प्रोग्रेस के बारे में हर कोई सोचता है. तो आई डोंट थिंक आइंस्टाइन डिड एनीथिंग रॉन्ग इन मूविंग टू यूएस, क्योंकि नाजी पावर के अंदर जर्मनी इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था. यूएस वॉज गिविंग रिकॉग्निशन टू इंटरनेशनल साइंटिस्ट, तो वो वहां पर गया. अब ये चीज जर्मनी को अच्छी नहीं लगी. जर्मनी को ये लगा कि ये लोग गद्दार है जो जर्मनी को उस टाइम पर छोड़ के जा रहे हैं, जबकि आइंस्टाइन का गद्दारी करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था. फाइव इयर्स लेटर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर. मेनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फेसिज्म जस्ट लाइक आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. तो न्यूक्लियर फिजन क्या है? मीन्स थियरी ऑफ साइंस used in nuclear weapons. Nuclear weapons में ये nuclear fission की theory use होती है, और nuclear bombs बहुत खतरनाक हो सकते हैं students. एक nuclear bomb कम से कम 1 lakh people को, एक पूरे city को devastate कर सकता है. और उस time पर nuclear bombs drop किए गए on 2 cities of Japan, Hiroshima and Nagasaki. और ये दोनों बॉम्ब्स न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे. लेकिन स्टूडेंट्स यहां पे प्रॉब्लम ये है
कि ये दोनों बॉम्ब्स जो न्यूक्लियर फिजन टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, इसका फॉर्म्यूला था E=mc². वही फॉर्म्यूला जो आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया था। तो स्टूडेंट्स, एक बेचारा साइंटिस्ट हार्ड वर्क करता है ताकि उसके इन्वेंशन से मैनकाइंड का बेनिफिट हो। कोई भी साइंटिस्ट हार्म करना नहीं चाहता, लेकिन उसी फॉर्म्यूला से जो लोग बुरा काम करना चाहते हैं वो उसी फॉर्मूला से बुराई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे एक कॉमन मैन के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि क्या साइंस को ऐसी चीजें डिस्कवर करनी चाहिए। अब इसका आंसर स्टूडेंट्स मैं तो दूंगा, तो यस, साइंस को तो डिस्कवरीज करनी चाहिए, क्योंकि ये बॉम्बिंग्स में मरने वाले जो लोग हैं उनकी वजह से हम मैनकाइंड के प्रोग्रेस को तो स्टॉप नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स, एक सिंपल डिस्कवरी ऑफ फायर, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिंपल डिस्कवरी ऑफ फायर, इवन दैट कैन बी मिसयूज्ड। डिस्कवरी ऑफ व्हीकल्स कैन बी मिसयूज्ड टू कॉज एक्सीडेंट्स डेलिबरेटली। तो जिसको पावर का बैड यूज करना है वो तो किसी भी तरह से करेगा। आज हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी इज अ गुड थिंग, इट इज यूज फॉर मेनी अप्लायंसेस, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी को मारने के लिए यूज की जाए, किसी को शॉक से मारने के लिए यूज की जाए, तो इट कैन बिकम अ बैड थिंग ऑल्सो। So you can see how it is. People come and go, scientists come and go, but these things never change. Jo good men good karna chahte hai, evil men utna hi zyada evil karna chahte hai. तो यहां पे अमेरिका में अप्रोर हो गया, अमेरिकन फिजिसिस्ट वेयर इन अप्रोर। अप्रोर मींस लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस। दे वेर वेरी अपसेट। At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे ध्यान दीजिएगा। At the urging of a colleague, मतलब एक कलीग के कहने पर आइंस्टाइन ने लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को 2nd अगस्त 1939 में, और उसमें उसने ये क्लियरली बताया कि इस तरह का एक बॉम्ब अगर किसी अमेरिकन पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाए तो उस पोर्ट की सारी शिप्स और सराउंडिंग सिटी भी खत्म हो सकती है, 1,00,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं सिर्फ एक बॉम्ब से। उसने ये पहले से लेटर ऑफ वार्निंग दे दिया क्योंकि उसको लगा कि इस तरह का न्यूक्लियर वेपन जर्मनी यूज करेगा। आपको पता है स्टूडेंट्स, इस लेटर का क्या इफेक्ट हुआ? इस लेटर का इफेक्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट पे ये हुआ कि अमेरिकन्स ने इस तरह का बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया। हाँ, ऐसा इफेक्ट है। अरे वाह, वो लोग करें उसके पहले तो हम लोग कर देते। तो अगेन आइंस्टाइन पे इसका ब्लेम लगाया जर्मनी ने कि इसने अमेरिका को हेल्प किया ये बॉम्ब बनाने में, जबकि उसने तो अमेरिका को सिर्फ वार्निंग दी कि जर्मनी ऐसा बॉम्ब बना सकती है और ऐसे बॉम्ब की ताकत इतनी हो सकती है कि हमारे लोगों को इतना नुकसान हो।
अमेरिका ने इसका मीनिंग क्या निकाला, हाँ इतनी ताकत है, हम इतना नुकसान कर सकते हैं, चलो करते हैं। सो साइंटिस्ट इज इनोसेंट, साइंटिस्ट डिड एवरीथिंग टू सेव द वर्ल्ड फ्रॉम सच कॉन्सिक्वेंसेस। आइंस्टाइन ने हर वो चीज पॉसिबली की जो वो कर सकते थे अमेरिका को या दूसरी कंट्रीज को बचाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि अमेरिका इसका ये मतलब निकालेगा कि उनको बॉम्ब बनाना चाहिए। उन्होंने कोई आइडिया नहीं दिया अमेरिका को बॉम्ब बनाने का। अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, जो वॉर साइंटिस्ट थे, जो न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे, उनको ये दिमाग में बात आ गई कि ऐसा बॉम्ब भी बनाया जा सकता है इस लेटर की वजह से। अब उसमें बेचारा साइंटिस्ट क्या करे, उसके लेटर को रॉन्गली इंटरप्रेट किया अमेरिका ने। सो हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द जैपनीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन ऑगस्ट 1945। Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. In this time, he wrote a public missive. लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर, पब्लिक मिसिव लिखा उन्होंने टू यूएन, यूनाइटेड नेशंस। यूएन आपको पता होगा स्टूडेंट्स, इट इज अ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कंट्रीज को एडवाइस देता है टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। तो इसने यूएन को लेटर लिखा, लॉन्ग एंड ऑफिशियल लेटर टू मेंटेन वर्ल्ड पीस, एंड इन इट ही प्रोपोज्ड द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट। अब यूएन जो है ना स्टूडेंट्स, वो कोई गवर्नमेंट नहीं है। यूएन जो है इट इज अ पीस कीपिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एडवाइस कंट्रीज के लिए कोई कानून नहीं है, लॉ नहीं है यूएन। यूएन कैन नॉट एनफोर्स अ कंट्री टू डू और नॉट डू समथिंग, वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है फॉर वर्ल्ड पीस। अब वो एडवाइस को कोई कंट्री फॉलो करे कि ना करे वो कंट्री के ऊपर। आइंस्टाइन ने क्या बोला यूएन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बना दी जाए, सभी कंट्रीज के एक एक लीडर में से सिलेक्ट करके एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाओ जो किसी कंट्री को ऐसे बॉम्ब्स बनाने से रोक सके। लेकिन दिस टाइम द लेटर डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट, यूएन ने ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लिए। आज तक स्टूडेंट्स, कंट्रीज की इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है लेकिन वर्ल्ड की कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो आइंस्टाइन के ये पीस मिशन को एक बहुत बड़ा झटका लगाया यूएन ने, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने नहीं बनाई कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट। सो अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, दिस वन मेड नो इंपैक्ट। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 years, आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स। ही एगिटेटेड फॉर एन एंड, एगिटेटेड मीन्स स्ट्रगल। He struggled for an end to the arms built up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो अपने लाइफ के अगले 10 सालों में वो और ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए और ज्यादा आर्म्स बिल्डअप के लिए स्ट्रगल करते रहे। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and a world citizen as much as a scientific genius. Scientific genius भी बन गया और visionary भी बन गया। Visionary मतलब जो future के बारे में सोच सकता है, जो अच्छे से किसी के भी बारे में जान सकता है। So he became a world citizen. He is regarded as a world citizen and as well as he is celebrated as a visionary. Visionary means a person with a vision for future.
So students, please note down these meanings. Then we shall discuss the question answers. एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन वन है वो ओमिटेड है थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट में, पेज नंबर 50 थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट क्वेश्चन वन इज ओमिटेड, ऐसा नहीं पूछेंगे। क्वेश्चन टू में हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, फर्स्ट है ही वॉज बोरिंग, ऐसा ओपिनियन किसका था? तो ये आइंस्टाइन्स प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग बिकॉज ही वॉज नॉट एक्टिव व्हाइल प्लेइंग। ठीक है, इसको बोरिंग क्यों मानते थे? इसके प्लेमेट्स मानते थे, तो क्लेमेट्स का ये ओपिनियन था। ये जो क्वेश्चन है हु हैड दीज ओपिनियंस अबाउट आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन के प्लेमेट्स का ओपिनियन था एंड दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग बिकॉज ही वॉज नॉट एक्टिव, ही वॉज स्टूपिड एंड वुड नेवर सक्सीड इन लाइफ। ये आइंस्टाइन्स हेडमास्टर हैड दिस ओपिनियन about Einstein because he thought he was too dumb to succeed। उनको ऐसा लगा कि ये कुछ ज्यादा ही dumb है, ये तो life में कभी succeed हो ही नहीं सकता। आंसर थ्री इसका, ही वॉज अ फ्रीक, ये आइंस्टाइन की अपनी मदर के थॉट्स थे। आइंस्टाइन्स मदर हैड दिस ओपिनियन अबाउट हिम बिकॉज शी फेल्ट ही हैड अ
लार्ज हेड. सो शी थॉट दैट हर सन वॉज अ फ्रीक, थोड़ा अलग बच्चा होगा. ठीक है, प्लीज नोट डाउन दीज थ्री आंसर्स. ये तीनों क्वेश्चन टू के, ये जो वन टू थ्री दिए हुए है पेज नंबर 51 पे, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन टू, उसके वन टू और थ्री, ये वो आंसर्स. Now question 3, what the reasons for the following are? Question 3, answer 1, Einstein leaving the school in Munich for good. So why did Einstein leave the school? Because he disliked the school's regimentation. रेजिमेंटेशन मतलब एक्सट्रीम डिसिप्लिन, बराबर. ही डिसलाइक द स्कूल्स रेजिमेंटेशन एंड ऑल्सो ही वॉज लिविंग विदाउट हिज पेरेंट्स. ये म्यूनिक में इसके पेरेंट्स भी नहीं रहते थे इसके साथ. ही वॉज लिविंग विद समवन एल्स, विद सम रिलेटिव्स. And that is why he wanted to leave Munich for good. Einstein wanted to study in Switzerland rather than in Munich because Switzerland was not as strict as Munich. It was a free to study atmosphere and a peaceful environment for Einstein. Einstein was not the kind of boy जो म्यूनिख में एकदम स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिनरी एनवायरमेंट में रह सके. ही नीडेड अ पीसफुल एनवायरमेंट एंड ही नीडेड अ फ्री टू स्टडी एटमोस्फियर. तो ऐसा एटमोस्फियर जो था वो स्विट्जरलैंड में था, राइट. आंसर थ्री, Einstein seeing in Mileva an ally. Ally मतलब एक साथी की तरह उसको देखता था, एक companion. क्यों ऐसा? Because he could share his sorrow with her. Also, Mileva had problems with her parents. Similar to Einstein with classmates and teachers.
तो यहां पे ये मिलेवा को एलाय क्यों मानता था, बिकॉज ही कुड शेयर हिज सोरोज विथ हर एंड ऑल्सो बिकॉज मिलेवा हैड प्रॉब्लम्स विथ हर पेरेंट्स विच वेर सिमिलर टू आइंस्टाइन एंड सिमिलर टू आइंस्टाइन विथ क्लासमेट्स एंड टीचर्स. मतलब आइंस्टाइन को जो ऐसे प्रॉब्लम्स क्लासमेट और टीचर्स के साथ होते थे, वैसे ही प्रॉब्लम्स मिलेवा को अपने पेरेंट्स के साथ होते थे. सो दे बोथ एग्रीड विथ ईच अदर ऑन मेनी पॉइंट्स. सो व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट आइंस्टाइन? सो ऑल दीज टेल्स अस दैट आइंस्टाइन वॉज अ पीस लविंग पर्सन. तो यहां पर स्टूडेंट्स में लिख रहा हूं आंसर फोर. ये क्वेश्चन थ्री का आंसर वन, आंसर टू, आंसर थ्री आई हैव रिटन हियर. आंसर फोर में यहां पर लिख रहा हूं. ऑल दिस टेल्स अस दैट आइंस्टाइन वॉज अ पीस लविंग पर्सन. ठीक है, शांति से सिंपल. प्लीज नोट डाउन दीज फोर आंसर स्टूडेंट्स. Now, answer 4. What did Einstein call his desk drawer at the patent office and why? So students, this is the answer. Einstein called his desk drawer as the Bureau of Theoretical Physics.
एंड व्हाई ही कॉल्ड इट सो, बिकॉज ही वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज. वो अपने आइडियाज उसमें लिखते रहते थे और वो नोट्स वहां पर रखते थे डेस्क ड्रॉअर में. एंड हिज मेन जॉब वॉज एसेसिंग अदर पीपल्स वर्क. तो वो तो वो करता ही था, उसके साथ साथ अपने टाइम में वो अपने जो थॉट्स थे, अपनी थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो पेपर्स थे वो भी उसी में रखते. आंसर फाइव, व्हाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. ही रोट अ लेटर ऑन बीइंग अर्ज्ड बाय अ फ्रेंड, राइट. He warned American President Franklin D. Roosevelt that a single bomb of that type So this is the answer. He wrote a letter on being urged by a friend and he warned American President Franklin D. Roosevelt that a single bomb of nuclear type ka ek bomb if exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory as well. So this is what he described in that letter to American President. This was a letter of warning to American President. Please note down this. How did Einstein react to the bombing of Hiroshima and Nagasaki?
स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूएन प्रपोजिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ल्ड गवर्नमेंट बट इट डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट. सो वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन? So students, in the decade after 1945, Einstein used his popularity for world peace and democracy. He agitated for an end to the arms built up by nation. And so, he is celebrated as a world citizen. Being a scientific genius. Correct? So students, here we are at the end of this lecture and see you in the next lecture. Goodbye, students.